गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हम सोना निकालने वाले हैं, तो इसके लिए हमारे पास है यहाँ पर काफी सारे कंप्यूटर के पार्ट्स। ज्यादातर हमने रैम ली है और ये जो पार्ट्स है ये सभी खराब हो रखे कंप्यूटर्स के पार्ट्स है, और इनके जो पार्ट्स है इनके अंदर है सोना। जी हाँ गाइस, सोना काफी ज्यादा बहुत ही एक अच्छा कंडक्टर होता है, इसी वजह से बहुत सारे पार्ट्स के अंदर सोने का इस्तेमाल किया जाता है। और हम क्या करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर, हम इन सभी खराब पार्ट्स के अंदर से उस सोने को बाहर निकालने वाले। हालांकि ये इतनी सारी जो रैम्स है गाइस, इसकी कीमत है 20,000 रुपए, यानी कि 20,000 के अंदर हमने इस कबाड़ को खरीदा है। अब देखना ये है कि इन रैम्स के अंदर से कितने रुपए का सोना निकल के आता है, लेकिन ये निकलेगा कैसे वही तो देखने लायक चीज है। इसीलिए शुरू से लेकर एंड तक वीडियो पूरी देखना, और अभी के भी लाइक कर दो यार, इसके अंदर एक महीना लगने वाला है, वीडियो तो 10 मिनट की है बस। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हम एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएंगे जिससे कि ये जो रैम्स की प्लास्टिक है इसके ऊपर जो गोल्ड है वो अलग हो जाए, यानी कि प्लास्टिक अलग हो जाए और गोल्ड अलग हो जाए। इसके लिए हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 3% H2O2। हम इन दोनों का सॉल्यूशन बनाएंगे और इनकी जो क्वांटिटी है वो रहेगी 1/3, यानी कि अगर एक पार्ट इसका है तो 3 पार्ट HCl के होंगे। तो 100 मिलीलीटर ये अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लेता हूँ 3%। अब इन सभी रैम्स को इस सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं ताकि रिएक्शन शुरू हो सके। गाइस यहाँ पे मेटल की रिएक्शन हो रही है और हाइड्रोजन गैस बनना स्टार्ट हो गई है छोटे छोटे बबल्स के रूप में, ये गई इस सॉल्यूशन के अंदर। और अब ये जो सॉल्यूशन है इसे हमें रखना पड़ेगा लगभग 6 से 7 दिन तक ताकि रिएक्शन अच्छे से हो जाए और सारा सोना बाहर निकल जाए। यार आज है 7 से 8वां दिन, पहले जो हमारे कंप्यूटर पार्ट्स थे वो कुछ इस तरीके से थे, ये रहा सोना और ये रहा हमारा सोना जिसे कि हम इन पार्ट्स से निकालने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि जितना भी सोना इन कंप्यूटर पार्ट्स के ऊपर था अब वो हमारे सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल हो गया, यानी कि इन प्लेट्स से उतर के इसके अंदर मिक्स हो गया। ये देखो पहले कुछ इस तरीके का था, अभी यहाँ से हट के पूरा ही सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो गया। आप देख सकते हैं कि इसका जो पैंदा है, ये देखो पैंदे के ऊपर जितने भी मेटल्स थे सोने के साथ साथ वो सारे जमा हो गए हैं। अब क्या करते हैं, ये जितने भी कंप्यूटर पार्ट्स हैं इनको बाहर निकालते हैं, सॉल्यूशन को अलग करते हैं। अब ये जो पार्ट्स है हल्का फुल्का इनके अंदर भी सोना है, तो उसे पानी से धो लेते हैं और धो के उसे भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे, फिर इस पूरे सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर की मदद से फिल्टर करेंगे। गाइज आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर जितना भी सोना था वो सारा निकल चुका है, देखो अभी इसके ऊपर कोई भी सोने की कोटिंग नहीं है और वो आ चुका है हमारे सॉल्यूशन के अंदर। ये देखो ध्यान से देखना, ये जो चमकने वाली चीज दिख रही है ना, यही है गाइज हमारा गोल्ड, और बहुत सारा गोल्ड उसके अंदर भी है इसके अंदर भी है। अब इन सारी चीजों को फिल्टर पेपर की मदद से फिल्टर करते हैं, उसके बाद में बनाएंगे एक्वा रेजी। गाइज ये है हमारा सिंपल सा फिल्ट्रेशन सिस्टम, तो इसके अंदर जो है इसे फिल्टर करते हैं तो जितना भी पानी है वो नीचे निकल जाएगा, जितना भी हमारा सोना है वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। गाइज यार आज है 4th दिन और फाइनली हमने हमारे गोल्ड को फिल्टर पेपर की मदद से फिल्टर करके उसे सुखा भी लिया है, लेकिन इसके साथ साथ में पीसीबी के ऊपर जो ग्लू था हल्के हल्के प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स थे वो सारे भी हमारे इस मिक्सचर के अंदर आ गए हैं, तो इसके अंदर गोल्ड भी और बहुत सारा कचरा भी है। तो अब वक्त है एक्वा रेजिया बनाने की। तो गाइज यार आपको पता है कि एक्वा रेजिया के अंदर जो गोल्ड है वो सोल्यूबल होता है, तो होगा ये कि एक्वा रेजिया के अंदर जब हम इस मिक्सचर को डालेंगे तो जितना भी गोल्ड है वो तो एक्वा रेजिया के अंदर घुल जाएगा, यानी कि मिक्स हो जाएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है एक्वा रेजिया बनाने का ये थोड़ा सा खतरनाक है, इसीलिए सेफ्टी फर्स्ट गाइस, क्योंकि इसके अंदर यूज में लिया जाएगा नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, कैरोसिन होता है, हाथ को जला सकता है, आंख में लग गया तो अंधा कर सकता है, मुंह पे जल लगा तो मुंह को जला सकता है, इसीलिए सेफ्टी फर्स्ट। गाइस एक्वा रेजिया बनाने के लिए हम जो है 3 पार्ट तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेंगे और 1 पार्ट जो है नाइट्रिक एसिड का, यानी कि इसका जो रेशियो होगा एसिड्स का वो होगा 3/1, यानी कि 150 मिलीलीटर अगर
हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो 50 मिलीलीटर हम नाइट्रिक एसिड लेंगे। प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट योर होम, स्कूल और एनीवेयर, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। गाइज आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे हमारा जो एक्वा रेजिया है वो तैयार कर लिया है। गाइज अब जो है यहाँ एक्वा रेजिया के अंदर ये अपना जो मिक्सचर है इसे मिक्स करते हैं, लेकिन जो गोल्ड पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा पतले हैं, इसको इसमें डालूंगा तो बहुत सारे गोल्ड पार्टिकल्स उड़ जाएंगे, इसीलिए मैं क्या करता हूँ एक्वा रेजिया को सीधा इसके अंदर डाल देता हूँ। गाइज इसको थोड़ा सा हिलाते हैं ताकि जो भी गोल्ड है वो एक्वा रेजिया के अंदर मिक्स होना स्टार्ट हो जाए। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि पानी के अंदर अपन शक्कर डालते हैं और वो मिक्स हो जाती है ना, उसी तरीके से ये जो गोल्ड है वो एक्वा रेजिया के अंदर डिजोल्व हो जाएगा और उसके बाद में जब अपन क्या करते हैं पानी को बॉइल करते हैं तो वो शक्कर फिर से बच जाती है ना, उसी तरीके से अपन जो है गोल्ड को भी इससे अलग कर लेंगे। यहाँ पे बॉइल नहीं करेंगे, यहाँ पे अपन जो है इसके अंदर एक और केमिकल डालेंगे जिससे कि जो गोल्ड है वो अलग हो जाएगा और ये जो अपना एक्वा रेजिया है वो अलग हो जाएगा। आई थिंक हमारा गोल्ड एक्वा रेजिया के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया होगा। अब टाइम है इसके फिल्ट्रेशन की, तो इसके लिए हम फिल्टर पेपर का और ये चीनी का कीमा है, ऐसा ना हो कि आप समझे प्लास्टिक है भैया, प्लास्टिक तो पिघल पिघला जाएगी एसिड के सामने, इसीलिए चीनी का बर्तन है और इसकी मदद से हमने जुगाड़ बनाया है और अब इसको करते हैं फिल्टर। अब गाइज इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि जो गोल्ड है वो तो एक्वा रेजिया के अंदर डिसॉल्व है, लेकिन बाकी सारी चीजें वो डिसॉल्व नहीं हुई है तो वो सारी तो फिल्टर हो जाएगी और गोल्ड डिसॉल्व हुआ हुआ एक्वा रेजिया नीचे यहाँ पे आ रहा है, इसके अंदर गोल्ड है, बाकी सारी अशुद्धियां यहीं पे फिल्टर हो जाएगी। गाइज यार अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो फिल्टर हो चुका है, आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है काफी सारी अशुद्धियां इस फिल्टर पेपर के अंदर ही रह गई है और नीचे हमें मिल गया है सोने का तेजाब। अब इसके अंदर एक और केमिकल डालते हैं, उस केमिकल का नाम है सोडियम मेटाबाई सल्फाइड, लेकिन उससे पहले इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेते हैं। गाइज अब इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के अंदर हम डालते हैं सोडियम मेटाबाई सल्फाइड, ये क्या करेगा ये गोल्ड को अलग कर देगा, लेकिन ये प्रोसेस भी खतरनाक है क्योंकि इसके अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो कि जहरीली है, थोड़ा सा सावधानी से करना होगा, बिल्कुल धीरे धीरे मिलाएंगे इसके अंदर हल्का हल्का, है ना। गाइस आप देख सकते हैं कि जो गोल्ड के पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ पैंदे में जमा होना स्टार्ट हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा सा और डालते हैं। ये देखो गाइस ये जो ब्लैक कलर की चीजें हैं ना, ये हल्का हल्का सा ब्लैक जैसा जो दिख रहा है आपको यही है गोल्ड, ये देखो गाइस और डालते हैं धीरे धीरे, थोड़ा पेशेंस से करेंगे। गाइज ये जो प्रोसेस है काफी लंबा चलेगा, इसमें होगा क्या कि इस गोल्ड के जितने पार्टिकल है वो सारे जो है एक्वा रेजिया से अलग हो जाएंगे, उसके बाद में हम इस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे और गोल्ड के पार्टिकल अलग निकाल लेंगे। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है क्योंकि जब तक ये पूरी तरीके से रिएक्शन बंद नहीं हो जाती तब तक हम इसे इसके साथ में रिएक्ट कराते रहेंगे। गाइज गोल्ड निकालना इतना भी आसान नहीं है, गोल्ड निकालते निकालते यहाँ पे तो जो है गमछा भी खुल गया मेरा। तो गाइज यार एक्चुअली क्या है, लास्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया था, हमने जो है सोडियम मेटाबाई सल्फाइड डाल के जो गोल्ड के जितने भी पार्टिकल थे उनको सॉल्यूशन के अंदर से अलग कर लिया था और लास्ट के अंदर फिर हमने उस सॉल्यूशन को फिल्टर किया और गोल्ड को अलग निकाल लिया। गाइज ये आप जो देख रहे हैं ना ब्लैक ब्लैक और इसके अंदर भी आप ये जो देख रहे हैं ब्लैक और बैंगनी, ये एक्चुअली में गोल्ड ही है। तो अब आती है नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन क्या करेंगे, इस फिल्टर पेपर के अंदर जो गोल्ड है, इस फिल्टर पेपर के अंदर जो गोल्ड है, अब अपन इन सारी चीजों को सारे गोल्ड को एक जगह आप इकट्ठा करेंगे और उसे मेल्ट करेंगे ताकि एक सॉलिड गोल्ड का पीस हमें मिल सके। लेकिन इसके अंदर मुश्किलें ये आती है, क्रूसिबल गोल्ड का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, तो जो नॉर्मल क्रूसिबल होते हैं जिसके अंदर अपन चीजों को मेल्ट करते हैं वो यहाँ पे काम नहीं करते हैं। हमने इस वाले क्रूसिबल के अंदर मेल्ट करने की कोशिश की बोरेक्स के साथ में, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये टूट गया है, ये देखो ये टूट गया है, ये जो आप दो डॉट देख रहे हैं ना, एक ये रहा और एक ये रहा, एक्चुअली में यही है हमारा गोल्ड।
तो अब इससे तो काम नहीं हो रहा था, एक महीना वेट किया, उसके बाद में हमें जो है ये वाला क्रूसिबल मिला है। तो मे भी इसके अंदर हम जो है हमारी इन सारी चीजों को मेल्ट कर सकते हैं और ये नहीं टूटेगा। अब मेल्ट करने का प्रोसेस भी काफी ध्यान रखने लायक है, क्योंकि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्रूसिबल को बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, उसके बाद में अपन लेंगे बोरेक्स और इसके ऊपर हल्की हल्की सी बोरेक्स डालेंगे, जिससे क्या होगा इस क्रूसिबल के ऊपर बोरेक्स की एक लेयर बन जाएगी। उससे क्या होगा, जो हमारा गोल्ड है वो हमारे क्रूसिबल से भी नहीं चिपकेगा, साथ ही साथ जो गोल्ड है वो ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है उससे भी क्रिया नहीं करेगा, यानी गोल्ड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एक फिल्टर पेपर हमने इसमें मेल्ट कर दिया है, अभी इसको और ज्यादा मेल्ट करना पड़ेगा, पहले सारे पेपर्स हम इसके अंदर मेल्ट कर ले, उसके बाद जो है खोला, ध्यान से इसको ऊपर सुनाए, ऊपर रहना चाहिए। यार अब जो है जितना भी गोल्ड है वो सारा इसके अंदर आ चुका है, ये देखो ये जो पिघल रहा है ना ये गोल्ड है अपना। तो अब इसको क्या है कि सारी जगह ये जो फैला हुआ है, अब इसको सारे को एक जगह करने के लिए हम इसमें और बोरेक्स डालेंगे, बोरेक्स को मेल्ट करेंगे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे। तो फिर क्या होगा कि मेल्ट के अंदर सोना सोना अलग हो जाएगा, बोरेक्स अलग हो जाएगी। आई होप बोरेक्स डालो। गाइस यार सोने की बॉल तो बन गई, अब सबसे बड़ा चैलेंज है इसको बाहर निकालना। पानी के अंदर जाते ही मैं भी रुक जा उठा ध्यान से, धीरे धीरे उठा, बॉल इसके अंदर गिननी चाहिए। हाँ आ जा। तो गाइज ये रही हमारी सोने की बॉल छोटी सी इसके अंदर, चलो इसे बाहर निकालते हैं, ऐसे निकाल लेते गाइज। तो गाइज यार ये है गोल्ड जो कि हमने रिकवर किया है पीसीबी से। हाँ भाई बस इतना ही है, आप क्या सोच रहे थे कोई किलो दो किलो निकलेगा, अरे यार 14,000 रुपए की तो पीसीबीज थी, और बहुत सारा गोल्ड तो प्रोसेस के दौरान भी इधर उधर हो जाता है, लेकिन फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है कितने अच्छे से काम किया है, कि ये रहा गोल्ड, गोल्ड का एक छोटा सा टुकड़ा हमें यहाँ पे मिला है। आपको बताया गोल्ड कितना ज्यादा महंगा, ओ वाह यार सोना की नहीं चमक रही हो, सोना ये तो सोना की चमक रही, इसको हल्का सा घिसते है गाइस, नहीं तो गाइज यार आप देख सकते हैं इसकी चमक। तो गाइज यार फाइनली अब आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम घर पे मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करके भी गोल्ड की रिकवरी कर सकते हैं। हाँ भाई ये तो नहीं कहूंगा कि ये कोई प्रैक्टिकल मेथड है गोल्ड रिकवरी का, अगर लार्ज स्केल पे इस चीज को किया जाए, जितने भी स्पेयर पार्ट्स है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी इस चीज को किया जाए तो प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन ये तो खैर प्रॉफिटेबल तो नहीं है, बस साइज के हिसाब से सही है। कि प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं क्योंकि जितने का ये सोना नहीं है ना उससे ज्यादा जो है प्रोसेस के अंदर लग चुका है हमारा। तो ये है आपके सामने एक बार और देख लो सोना जो कि हमने निकाला है पीसीबी से, हो सकता है बेबी कि इसके अंदर कुछ और भी मेटल्स का मिश्रण हो, हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की। ले भाई इसको संभाल के रख दे। तो गाइस आज के लिए वो सीधा आप सब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चढ़ा रही हो बड़ा कैमरा लगा खड़े कर रही हो जानवर, ये सारा सामान हटाओ, अरे भाई का बंद कर दिए।